नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सिक्कर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे जिस वीडियो के बारे में बता दी जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, शॉर्ट में और आसान भाषा में आपको हम समझाएंगे। तो आपको यहाँ द्वितीय किस्त के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है, तो इस चेक मार्क पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछी जा रही है। अब इसके अंदर आपको छात्रा का नाम जो 10th की मार्कशीट के आधार पर, माता का नाम 10th के आधार पर, यहाँ पे रोल नंबर। अब रोल नंबर पे क्या होता है, कई बार जीरो लगाया होता है तो उसको आपको जीरो नहीं लगाना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने होंगे, यहाँ पे ईमेल अब आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का पूरा विवरण आपको यहाँ पे देखना। अब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट चूज करना है कि राजकीय स्कूल जो विद्यालय है उसके अंदर थे या जिस भी विद्यालय के अंदर, निजी के अंदर थे, तो इस पे क्लिक करना है, अन्यथा इसी पे रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको सेलेक्ट करना है, आसार नंबर डालने है और अभ्यर्थी वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालय का प्रमाणीकरण हो जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको एसआर नंबर ना मिले तो आपको यहाँ पे अपने विद्यालय में जाना और उनसे पूछ लेना है कि आपके एसआर नंबर कितने हैं, वो आपको यहाँ पे एसआर नंबर के बारे में आसानी से जानकारी दे देंगे। ठीक, एसआर नंबर डालने और अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण कर देना है। अब जैसे आप एसआर नंबर डाल दोगे, यहाँ पे जनाधार विवरण आपका मांगने लग जाएगा। यहाँ पे आपको जनाधार नंबर डालने, यहाँ पे जनाधार मेंबर नंबर जो आपकी फोटो के सामने जैसे आप जनाधार प्रमाणीकरण पे क्लिक करोगे, जनाधार डिक्टरण आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नीचे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का जो है बैंक खाता आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अगर मुखिया के अंदर देखना है तो यहाँ पे फैमिली हेड मिलेगा और यहाँ पे सेल्फ स्टूडेंट मिल जाएगा। सेल्फ स्टूडेंट का यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे जो खाताधारक है उसका नाम मिल जाएगा, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, खाता संख्या, और खाता संख्या कंफर्म हो जाएगी, बैंक शाखा का आपको यहाँ पे नाम देखने को। आपकी पूरी डिटेल अच्छी तरह सेव हो जाएगी। इस तरह से आप गार्गी पुरस्कार का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिलता है, एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे कॉपी कर लेना है, या आपके पास मोबाइल या ईमेल के ऊपर आपको यहाँ पे इसका जो है डाटा पहुंच जाएगा।